अरे कहाँ है मेरा कुर्ता? मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा, कोई मुझे कुर्ता देगा क्या? मेरा कुर्ता कोई जल्दी लेकर आओ। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ का मतलब, मेरा कुर्ता कहाँ है? जा जल्दी लेकर आ। मालकिन, ओ मालकिन, मालिक कुर्ता मांग रहे हैं। कह दे कि अपने आप ढूंढ ले, कह दे उनसे कि अब से अपना काम खुद करने की आदत डाल ले, अब फ्री सर्विस नहीं मिलेगी। मालिक, मालकिन कह रहे हैं कि अब फ्री सर्विस नहीं मिलेगी, अब सब खुद ही करना होगा। खुद करना होगा? बकवास बंद कर, कहता है खुद करना होगा, यही करने के लिए मैंने इतने सारे लोगों को रखा है। जा तू खुद ही लेकर आ, जा लेकर आ, जल्दी जा। अरे मालिक, मुझे क्या पता आपका कुर्ता कहाँ रखा हुआ है, आपका पजामा कहाँ है, कहाँ धोती रखी है? अरे तू किसे पता है, जा जल्दी ढूंढ कर लेकर आ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि रंजना कहाँ गई, श्री कहाँ है, रागिनी कहाँ चली गई, कहाँ है सब? क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहा है? शोर न मचाऊं तो क्या करूं, मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा है, देखो बनियान पहने टहल रहा हूं। हे भगवान, ये तो कमाल हो गया। अच्छा मैं देखता हूं, भाभी को बोलता हूं। भाभी, अरे क्या बात है, क्या हो रहा है आखिर? भैया को कुर्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें कह दो खुद ढूंढ ले, जब तक इस घर की बहू जमुना वापस नहीं आती तब तक इस घर में कोई फ्री सर्विस नहीं मिलेगी। घर की औरतों को नौकरानी समझ रखा है ना? ये क्या बात हुई भैया, भाभी ने जो कहा आपने सुना? मैं बहरा हूँ क्या? अच्छा सुना आपने? सब सुना मैंने। उसे समझा दो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करे, वो भूल गई कि किससे बात कर रही है। अरे ये मेरा और अपना रिश्ता भी भूल गई है, मैं कौन हूँ ये भी भुला बैठी है ये। तुम्हारे भैया भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। बहू रानी, गुस्सा मत करो, झगड़ा खत्म कर लो ना, दोस्ती कर लो। माँ, किससे दोस्ती करने को कह रही हैं आप? किससे दोस्ती करवाना चाहती हैं आप? अपने बेटे से, जो दिन रात मुंह बनाकर बैठे रहते हैं, कितनी कड़वी बातें करते हैं, चेहरे पर मुस्कान तक नहीं। बचपन में उन्हें शहद नहीं चटा सकती थी आप। सुना तुमने? तुमने सुना उसने क्या कहा? सुना? कह दो मुझसे ठीक से बात करे, बार बार कह रहा हूँ, समझा दो, तमीज से बात करे, और मेरा कुर्ता देने के लिए कह दो, नहीं तो? नहीं तो क्या करेंगे, बिना कुर्ते के ही चले जाएंगे। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, बिना कुर्ते के ही चले जाएंगे, देखूं तो कैसे चाहते हैं। तुम हंस रहे? कहाँ हंसा? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? तो? इतना कुछ हो गया तुम हंस रहे? मेरी ऐसी हालत है और तुम हंस रहे हो? कल सरस्वती पूजा है, भूल गए क्या? पूजा की तैयारी के लिए मुझे बाजार जाना है, मूर्ति खरीदना है। अरे भैया आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूँ ना। अरे मैं सारी तैयारियां कर लूंगा। हाँ, और तब तक मैं इसी तरह तौलिए में घूमता रहूँ, है ना? इसलिए तो कह रही हूँ बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, घर की औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखिए, उनके बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कह रही है कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ पत्नी ही नहीं, घर में बहू की भी जरूरत है। उसे वापस लाके उसके सामने अपनी गलती स्वीकार कीजिए और कहिए मुझे माफ कर दो, माफ। शट अप, जस्ट शट अप। मैं कहूँगा माफ कर दो, माफ कर दो, उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखूंगा, सुन लो। भैया मुझे लगता है कुछ गलत है। क्या गलत है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम गलती कर रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। कहीं कोई गलती नहीं हो रही, कोई गलती नहीं कर रहा मैं। और कल्याण, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, तुम भी सुन लो, वो लड़की मतलब गंगा ढोली की बेटी जमुना इस घर में नहीं आएगी। वो आने लायक है भी नहीं। बड़े मामा, कोर्ट से एक और चिट्ठी आई है और इसमें जो लिखा है वो आप सोच भी नहीं सकते। जरा देखूं। उसकी इतनी हिम्मत, गंगा ढोली के पूर्वज हमारे प्रजा थे, गंगा ढोली की बेटी हमारे यहाँ ढोल बजाती, गंगा ढोल बजाकर हमसे पैसे लेता था, और वही आज मुझे धमकी दे रहा, अदालत की धमकी दे रहा है। भैया किसे फोन कर रहे हैं? चुप रहो, मुझे रोकना मत। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं केदार राय बोल रहा हूँ। ओ बड़े मालिक, आप हैं? जमुना कहाँ है?
क्यों, क्या हुआ मालिक? क्या हुआ मतलब? तुझे नहीं पता क्या हुआ है? नहीं, बताइए क्या हुआ, बताइए मुझे। जमुना ने जायदाद में हिस्से के लिए अदालत में मुकदमा किया है। क्या क्या कह रहे हैं मालिक आप? हाँ। नहीं, मालिक ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास सबूत है। एक के बाद एक नोटिस आ रहे हैं, उसे बता देना। ना इस जायदाद में से उसे एक फूटी कौड़ी मिलेगी और ना ही अब उसे इस घर में जगह मिलेगी। मेरे बेटे की दोबारा शादी होगी। अपनी बेटी से कह देना अब राय परिवार को भूल जाए। बड़े मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए मालिक, मैं आपसे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी एक बात सुन लीजिए मालिक, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ मालिक, मेरी बेटी को अपने घर में जगह दे दीजिए। हाँ, जगह दूंगा, उसे जगह मिलेगी, लेकिन हमारे घर के चौखट पर। जब इस घर में नई दुल्हन डोली से उतरेगी, तब तू और तेरी बेटी ढोल बजाना। शहनाई से लेकर ढोल तक हर तरह के बाजे बजेंगे, खुशियां मनाई जाएंगी, डोली में बैठकर नई दुल्हन आएगी और तेरी बेटी जमुना ये सब अपनी आंखों से देखेगी और यही होगी उसकी सजा। मालिक सुनिए मालिक, देखता हूं कौन रोकता है। मैं रोकूंगी। आर्या को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी, समझ जाइए। आर्या इस घर में आएगी और जरूर आएगी, क्योंकि संगीत आर्या को पसंद करता है, प्यार करता है उससे। नहीं भैया, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास ना करने जैसा क्या है? भैया और आर्या को जिस हालत में एक साथ देखा गया था उससे तो। ए, चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप रहो। अपने बड़ों के सामने ऐसी बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? और बड़ों के सामने भैया ने जो किया उन्हें तो कोई सजा नहीं मिली, उल्टा जमुना इस घर को छोड़कर चली गई। ये सही तो कह रही है, इसी कारण से तो जमुना भाभी घर छोड़कर चली गई, और परिवार टूटने का कारण भी यही है। परिवार तो टूटना ही था, क्योंकि भैया ये समझ गए थे कि जमुना एक बहुत ही लालची लड़की है और उसकी नजर सिर्फ इस राय परिवार की जायदाद पर है। बस करो, चुप रहो। हाँ, तुम्हें बोला ना यहाँ जाने के लिए, चले जाओ, जाओ जाओ, निकलो। जा रही हूँ छोटे मामा, जा रही हूँ। हम जाएंगे और कल की सरस्वती पूजा की तैयारी भी करेंगे, आर्या भी हमारे साथ होगी। हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, भैया भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि आर्या के साथ उनका नया रिश्ता जो जुड़ गया है। वैसे भी भैया आर्या से प्यार करते हैं। चलो श्री, चलते हैं। अरे ये क्या बोल रही है? भैया, मुझे लग रहा कोई बात तो जरूर है, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए भैया, कोई गलती? कल्याण, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना है मुझे, बस मुझे कुर्ता मिलेगा या नहीं। मुझे नहीं पता कहाँ है। कल्याण, हाँ? अपने भैया से कह दो मुझे नहीं पता कुर्ता कहाँ है, उन्हें चाहिए तो खुद पूछ ले। किससे पूछूं मैं? जमुना से। मतलब मेरा कुर्ता कहाँ है ये मुझे जमुना से पूछना होगा? हाँ, पूछना पड़ेगा। सिर्फ कुर्ता ही नहीं, घर खर्च का पैसा, चेक बुक, घर की बाकी चीजें, कौन सी चीज कहाँ है, कैसे रखी है, सब जमुना को पता है, मुझे नहीं पता। कल्याण, सब कुछ अपने भैया को अच्छी तरह समझा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझा देता हूँ। भैया, भाभी की बातों से जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपको ना अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब एक औरत विद्रोही बन जाती है तब बड़े से बड़ा शासक भी उसके विद्रोह को रोकने का साहस नहीं कर पाता। इसलिए कह रहा हूँ भैया, बिना किसी शर्त के आप समर्पण कर दीजिए। शट अप आज से। समर्पण करे मेरी जूती। कल्याण, इससे कह दे कि मेरा कुर्ता दे दे, वरना इसी तरह मैं। एक मिनट, इसी तरह मतलब क्या कह रहे हैं आप इस तरह चले जाएंगे? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मैंने कब मजाक किया भाभी? अंकल, ये रहा आपका कुर्ता, ये लीजिए।
थैंक यू। देख लो आगे चलकर जिसे घर की जिम्मेदारी उठानी है उसने अपना काम शुरू कर दिया। गुड। क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ऐसे दांत निकाल कर हंस क्यों रहे हो? आप क्या कह रहे हैं? सोच समझ के तो बोलिए, हाँ? थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सॉरी। हाँ, हंस क्यों रहे हो? बोलो। वैसे क्या कर रहे हो तुम लोग? विंध्यवासिनी देवी, आप भी हंस रही हैं? आप क्यों हंस रही हैं? बोलिए। अच्छा तू बता, हंसू ना तो क्या करूं? तू तो बच्चों की तरह जिद कर रहा है, हा? तू ये क्या लेकर खड़ा है, हा? ये तुझे आर्या ने लाकर दिया है। अरे ये तो पहेली की बनियान है। पहेली की? माँ, ये इस घर की बहू बनेगी। कौन क्या पहनता है यही नहीं पता, किसी के कपड़े तक की पहचान नहीं। इसे बनियान और कुर्ते में अंतर भी नहीं पता। आपके बेटे के लिए पहेली की बनियान लेकर आई है। बड़े मालिक, ये तो मेरी बनियान है। मेरी बनियान आप पहनेंगे क्या? पकड़ इसे, निकल जाए यहाँ से, निकल जाओ। मेरा कुर्ता? कितनी बार कहूँ मुझे नहीं पता। इस घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये सब जमुना जानती है, मुझे कुछ नहीं पता। ओह, जमुना जानती है, ठीक है। हेलो। बड़े मालिक, मेरी बात सुनिए। मालिक, कुछ नहीं सुनना मुझे, जमुना को फोन दो। जमुना घर पर नहीं है मालिक। मैं बाबा लीजिए, जमुना आ गई है मालिक। बाबा, किससे बात कर रहे हैं आप? ये लो, फोन पे बात करो। हेलो। तुझसे बात करने में भी मुझे शर्म आ रही है। आपने ये कहने के लिए फोन किया है? नहीं, मेरा कुर्ता कहाँ है? हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है? आप भी हंस रही हैं? बहुत हंसी आ रही है आपको। ओ, तुझे भी हंसी आ रही है? तू क्यों हंस रही है? नहीं, कोई बात नहीं पापा, मैं समझ रही हूँ कि आपका इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। आपने अभी पजामा पहना होगा और बनियान के ऊपर शायद गमछा या कोई तौलिया लपेटा होगा, है ना? तुझे कैसे पता? ये सब पहली बार थोड़ी ना हो रहा है पापा। और आप चिल्ला रहे होंगे कि मेरा कुर्ता कहाँ है, मेरा कुर्ता कहाँ है। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, तो? और उसी वक्त मैं आपको आपका कुर्ता लाकर दे देती थी, लेकिन अभी तो मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए आप एक काम कीजिए पापा, जरा माँ को फोन दीजिए। नहीं, फोन माँ को फोन क्यों दूँ? किसी औरत की मदद नहीं चाहिए मुझे, किसी पत्नी की मदद नहीं चाहिए। वैसे भैया एक मिनट, आपकी कितनी पत्नियां हैं? हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि तुम हंस रहे हो, हंसी आ रही है तुम्हें, मतलब तुम भी मिले हुए हो इनके साथ। मेरा कुर्ता कहाँ है बताओ। हाँ पापा, बताती हूँ। आप ना एक काम कीजिए, आप अलमारी खोलिए, उसमें ना दाईं ओर एक ड्रॉर है, उसके अंदर ना लॉन्ड्री के बिल रखे हुए हैं। लॉन्ड्री से आपके सारे कपड़े मंगवाने होंगे,
आपके 20 कुर्ते ना लॉन्ड्री में दिए हुए हैं आयरन करवाने के लिए। कुर्ते इस्त्री करने के लिए गए? अरे तो मैं अभी क्या पहनूं? हाँ तो अभी मंगवा लीजिए ना। तू नहीं मंगवा सकती थी। आप तो मुझे घर में आने भी नहीं दे रहे हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, मुझे तो आपने घर से निकाल दिया है ना। किसी की जरूरत नहीं, तुम में से किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की नहीं। बाबा आपका फोन। ब्यूटीफुल, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारा चेहरा मुझे हमेशा दीवाना बनाता है, हमेशा। छोटे मालिक, आप आ गए। पापा, पापा, आपकी बेटी, आपकी ये जमुना घर छोड़कर आई है, मुझे छोड़कर आई है। बेटा, ये तुम कैसी बात कह रहे हो ये? हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए पापा, मैं निर्दोष हूँ, आर्या के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसे लेकर कोई गलत फहमी हो रही है पापा, आप ही इससे कहिए ना कि मुझे एक मौका दे दे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैं जमुना से ही प्यार करता हूँ, मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ जमुना ही है। मेरा प्यार भी सिर्फ आप हैं, आपसे बहुत प्यार करती हूँ छोटे मालिक, लेकिन अभी ये शैतान सामने खड़ा है, आप समझ जाइए ना। अगर मैं आपके पास आई, आपके करीब आई, तो ये मेरी माँ और मेरी बहन के साथ कुछ बुरा कर सकता है, बहुत बुरा हो सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस पर मैं क्या कहूं, मुझे लगता है आप दोनों आपस में ही बात कर लीजिए। छोटे दामाद जी, आप चलिए मेरे साथ आइए। अलमारी की चाबी कहाँ? जमुना के पास। सब कुछ जमुना के पास? हाँ, रहेगा ही, क्योंकि जमुना इस घर की बहू है, वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारियाँ तूने उसे ही दी थी। तू ही तो कहता था कि इस घर को जमुना संभालेगी। नहीं, ये जमुना का घर नहीं है, ये अब आर्या का है और इस घर को आर्या संभालेगी। ये चैलेंज है मेरा आपको, अगर आप आर्या को बहू बनाकर ला पाए तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आर्या इस घर की बहू बनेगी। हाँ आंटी, मैं इस घर की बहू बनूंगी, मेरे रास्ते का कांटा कोई नहीं बन सकता, और अगर किसी ने बनने की कोशिश की तो। अच्छा आर्या, तुम्हारे माँ पापा तुम्हें कुछ नहीं कहते? वो लोग तो पढ़े लिखे शरीफ और खानदानी लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी बेटी कुछ ज्यादा ही अधिकार जताती है? उन्हें इन सब की समझ नहीं है माँ, होती तो इसे अलाउ नहीं करते। बेटी मुंह में अंधे हो गए हैं, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित सब भूल गए हैं। आंटी, I'm sorry. बट अंकल ने खुद बुलाया था, इनफैक्ट शादी की डेट भी अंकल ने ही फिक्स की है। इसके लिए मेरे पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, और आपके बेटे ने जो किया है
उसके बाद हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। रुको आर्या, मेरे घर के बेटे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। संगीत कभी भी तुमसे आकर्षित नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि हीरे को छोड़ कोई कोयले को नहीं चुनेगा। अंकल, कौन हीरा है और कौन कोयला, ये तो वक्त ही बताएगा। कल सरस्वती पूजा है, मैं इस घर में आ रही हूँ और कल से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। नाच गाना, धूम धमाका, सब कुछ होगा। संगीत होगा, मेहंदी का फंक्शन होगा, सारी रस्में होंगी, हल्दी लगेगी और उसके बाद होगी शादी। और शादी के बाद मैं डोली में बैठकर इसी घर में आऊंगी और उसके बाद अनुराधा राय खुद अपने हाथों से मेरा स्वागत करेंगी और साथ ही ढोल बजाएगी जमुना। आपके सामने उसने आपकी पत्नी की बेइज्जती की और आप चुपचाप खड़े रहे। आप सारे मर्द सच में बहुत निर्दय होते हैं। सच में आप मर्दों को समझना आसान नहीं। कौन कहता है कि औरत जात विचित्र है, उन्हें समझना मुश्किल है। औरतें बहुत सरल होती हैं, पानी की तरह। यकीन मानिए, जिस जमीन पर डालेंगे उसी जमीन को सींचेंगी, जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र का आकार ले लेंगी। बट आप लोग ज्यादा विचित्र हैं। एक पत्थर दिल, और पत्थर दिली की आपको एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी बात याद रखिएगा। बिलीव मी जमुना, आई लव यू। आई लव यू जमुना, आई रियली लव यू। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा, हेलो संगीत, घर पर सरस्वती पूजा है और इस बार पूजा की सारी तैयारी मैं ही करूंगी, सजाऊंगी और देवी माँ की पूजा भी मैं ही करूंगी। तुम प्लीज वापस आ जाओ संगीत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जमुना वापस नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊंगा। जमुना इस घर में वापस नहीं आएगी। संगीत, इस घर में जमुना के लिए कोई जगह नहीं है, समझ गए तुम? जमुना तो आएगी ही, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार मैं पूजा इसी गांव में ही करूंगा, जमुना के घर पर। हेलो, हेलो, याद है जमुना, मैं तुम्हें पढ़ाता था और तुमने पढ़ाई शुरू की थी। चलो पढ़ो और लिखो। ऐसे नहीं, ऐसे। बी ये है 1,
जमुना, मैं तुम्हारा पति हूं, अपना शिक्षक भी कह सकती हो मुझे। इस बार हम सरस्वती पूजा तुम्हारे घर पर ही करेंगे और उस दिन तुम कलम की पूजा करोगी। ये सब, ये सरस्वती पूजा और ये, इन सब की जरूरत नहीं। अब ये सब आप रहने दीजिए छोटे मालिक, आप अपने घर चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखिए छोटे मालिक, आप यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से। घर में सरस्वती पूजा है लेकिन घर की बहू ही नहीं है, और एक है मेरे पतिदेव, अपनी मनमानी चला रहे हैं। बेचारी गांव में पड़ी है, कितने प्यार से इस घर को संभालती थी, और इन्होंने निर्णय ले लिया, वो अटैक दे दिया कि मेरे बेटे की शादी आर्या से करवाएंगे, जमुना को डिवोर्स दिलवाकर। ऐसा करे तो सही, मैं उन्हें छोड़ दूंगी क्या? छोड़ूंगी ही नहीं। बहुरानी, अब ये पंडित जी कहाँ रह गए? क्या बताओ, पूजा कब शुरू होगी? पंडित जी नहीं आए ऐसे कैसे? पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? वो तो समय पर आते हैं। कल्याण, मलिका, सब कहाँ हो? दीदी, मेरी साड़ी कैसी है? मैं कैसी लग रही हूँ दीदी? तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, पर अभी तक पंडित जी नहीं आए। क्या कह रही है? हाँ, वो तो कभी ऐसा नहीं करते, हमेशा समय पर आते हैं, पर इस बार वो नहीं आएंगे। हा? नहीं आएंगे वो माँ, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। पर क्यों? षड्यंत्र, एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसे भैया रच रहे हैं। कैसा षड्यंत्र? आप लोगों को नीचा दिखाने का। नीचा मतलब? हाँ, भैया ने कहा है कि जब घर की औरतें इतना सब खुद ही संभाल रही हैं, तो पूजा भी खुद ही कर ले। ओह आई सी, ऐसी बात है। तो है कहाँ तुम्हारे भैया? भैया भी। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। क्या? ये मालिक ने दिया है। ये क्या है? वही जो पूजा में पहनते हैं ना, धोती कुर्ता। मैं इन सब का क्या करूँगी? मालिक ने कहा है ये सब पहनकर आपको पूजा करनी है। What? अच्छा, अब ये सब पहनकर पूजा करूंगी? ये सब पहनकर मैं पूजा करूंगी? मैं इस घर की पूजा का बॉयकॉट करती हूँ, अभी के अभी बॉयकॉट करती हूँ। मैं अपनी बहू के पास गांव चली जाऊंगी, उसी के साथ पूजा करूंगी। हाँ, ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, अच्छा वो तुमने क्या कहा, कॉर्ड जैसा? माँ, दीदी ने बॉयकॉट कहा। अच्छा, मैं भी वही करती हूँ। हाँ सुनो, हम एक काम करते हैं, हम दोनों गांव में जमुना के पास जाते हैं, हम दोनों को वहाँ बहुत मजा आएगा। आप भी चलेंगे? हाँ, गुड। कल्याण, तुम चलोगे? एकदम, मतलब भाभी आपने ये जो प्लान बनाया है ना, इससे अच्छा प्लान तो हो ही नहीं सकता। हम सब साथ में जमुना के घर जाएंगे और जमुना के घर पे ही सरस्वती पूजा करेंगे। खबरदार। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं घर पर ही पूजा होगी। उस दिन जब हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर से कुकर खोलने की कोशिश कर रहा था, तब मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया था, इतना मजाक उड़ाया था, और अभी एक कुर्ते के लिए इतनी सारी बातें, सिर्फ एक कुर्ते के लिए? देखो देखो कितना सुंदर कुर्ता पहन कर आया हूँ पूजा में बैठने के लिए। लो चलो, तुम्हारे लिए वो कुर्ता धोती सब मंगा दिया है मैंने, अभी तुम मुझे पूजा करके दिखाओ। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, हम बेकार ही बड़े भैया से झगड़ा कर रही हैं। देखिए आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आफ्टर ऑल भैया ही इस घर के मालिक हैं। मैं भी इस घर की मालकिन हूँ, समझ आया? मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। तू तो कभी भी अपना घर नहीं बसा पाई रागनी, बस दूसरों के घर में बैठी है।
हर बार यही बातें कहना जरूरी है छोटे भैया? हर बार आप लोगों को मुझे ये ताना देना ही होता है ना भैया? परेशान हो गई हूँ मैं, मेरा सारा जीवन कट गया यही एक ताना सुनते सुनते, और इसी वजह से आज मैं इस जायदाद में अपना हिस्सा मांगती हूँ। इस जायदाद में हिस्सा मिलने के बाद कम से कम मुझे इतना तो हक मिलेगा कि सर उठाकर मैं कह पाऊँ कि ये घर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का नहीं है, ये घर मेरा भी है। देखो रागिनी, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो, हाँ? ये सब कानून अदालत की बातों का कोई फायदा नहीं, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। हाँ माँ, सही कहा, मुझे क्यों देंगी आप? आप तो देंगी जमुना को, क्योंकि वही तो आपकी सब कुछ है, उसी से आप प्यार करती हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जमुना धीरे धीरे इस जायदाद की हकदार बनने का सपना देख रही है, और आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अब आप लोगों के किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। मैं नहीं मानती रागिनी, मैं ये बात नहीं मानती। कल्याण, ड्राइवर को कहो तैयार रहे, अब हमें गाँव के लिए निकलना है। हाँ, यही सही रहेगा, चलिए सब गांव ही चलते हैं, वहीं जाकर पूजा करेंगे, चलिए। हे भगवान, तो फिर ये पूजा के कपड़े मतलब धोती कुर्ते का मैं क्या करूँ? अपने मालिक को पहना दो। और आपको अगर मर्द बने रहना है, मतलब ईगो में रहना है, तो फिर पूजा कर लीजिए, मतलब फल काटकर, मंदिर को सजाकर, कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर, दिए को उस पर रख कर थोड़ा तेल डाल दीजिएगा, और हाँ, दोपहर को वो प्रसाद बनाना मत भूलिएगा। प्रसाद अंकल क्यों बनाएंगे, मैं हूँ ना। हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं, तुम प्रसाद का खाना बनाओगी? ये सब करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल नहीं। माँ सुन रही हैं आप, क्या कह रही है, भोग का खाना बनाएगी। ये तो वही बात हुई, सुई में धागा डालना आता नहीं और कुर्ता सिलेंगे, तुम और भोग बनाओगी। क्या कर रही हैं माँ? अरे रहने दो। ये सब क्या कर रही हैं आप? और आप भी बड़ी भाभी, अच्छा मैं हूँ ना, मैं भी तो मदद कर सकती हूँ इसकी। बिल्कुल सही, मैं भी तो हूँ ना। चिंता मत करो, मैं और छोटी भाभी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों, ये तो इस घर की बहू बनना चाहती है। अगर इतना शौक है बहू बनने का, जमुना की जगह लेने का, तो जमुना जैसा खाना बनाकर दिखाओ। अच्छा, मेरी एक कंडीशन है, इस घर की कोई भी बेटी या बहू इसकी हेल्प नहीं कर सकती। क्यों आर्या, ठीक है ना? हाँ आंटी, मैं अपने हाथों से आपको प्रसाद बनाकर दिखाऊंगी। बहुत अच्छे, बनाओ, जाओ। छाया, लीजिए धोती और कुर्ता, पूजा खत्म कर लीजिए, ठीक है? मैं चलती हूँ। कहाँ चली? जमुना के घर जा रही हूँ। जमुना के गांव वाले घर? हाँ। कल्याण, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सबसे कह रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं जाकर ही रहूंगी। और मैं भी देखती हूँ इस घर में पूजा कैसे होती है। आपके भाई की बहू, आपकी बहन कितना काम करेंगी मैं जानती हूँ, जरा से हाथ पर नहीं हिलते। और हमारे घर की इतनी बड़ी पूजा देखती हूँ कैसे होती है। कल्याण चलो। कहाँ जा रही हैं ताई जी? वो जमुना के घर गांव जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगी। हाँ, मैं भी। नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं बोल रही हूँ, तुम नहीं जाओगी। मम्मा जाने दो ना। क्यों, घर की पूजा नहीं करनी? घर पर तो झगड़ा हो रहा है, माहौल कितना खराब है, पूजा कैसे होगी? अरे पूजा क्यों नहीं होगी, हमारी आर्या ने जिम्मेदारी ली है। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? ए, तुम हंस क्यों रही हो? नहीं, वो तुमने पूजा की जिम्मेदारी ली है, मेरा मतलब तुम डिस्को जाओ, नाचो गाओ, वो सब ठीक है, लेकिन अचानक तुमने पूजा की जिम्मेदारी ली, ये सुनकर अजीब लगा। अच्छा मैं देखता हूँ।
हेलो हेलो चाचू, सुनिए ना, माँ कहाँ है? माँ को मैं कब से फोन कर रही हूँ, आप माँ को फोन दीजिए जल्दी। हाँ हाँ, देता हूँ। क्या हुआ? गीत का फोन है। ओ हाँ गीत, बोल। माँ एक्चुअली ना हमारे एरिया में कहीं भी सफेद गुलाब नहीं मिल रहा है, आप भिजवा देंगी? हाँ? इस वक्त सफेद गुलाब चाहिए? देखिए ना प्लीज, किसी को भेज कर, देर हो रही है पूजा में। अच्छा अच्छा, रुक, देखती हूँ मैं। अच्छा माँ, आपके यहाँ पूजा शुरू हो गई? नहीं नहीं, असल में इस साल पूजा तेरे पापा करेंगे, पंडित जी को बुलाने से मना कर दिया इन्होंने। दरअसल वो ये साबित करना चाहते थे कि हम घर की औरतें कुछ काम नहीं करती हैं, समझ रही है ना? अब ये कितना काम करते हैं मैं भी देखूं जरा। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? तू नहीं समझेगी, अब तू फोन रख, मैं फूल भिजवाती हूँ। कल्याण। हाँ भाभी। गीत के घर थोड़े सफेद फूल दे आओ ना। जो हुकुम बेगम साहिबा। ए, तू भाभी की चमचागिरी कर रहा है? हाँ कर रहा हूँ, और हमेशा हमेशा करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी हैं मेरी माँ की तरह। और माँ? और माँ भाभी की तरह। माफ कीजिए। माँ तो माँ की तरह ही है, मतलब बिंदु वासिनी देवी भी माँ और भाभी भी, इन दो माओं के बीच रहकर ही तो मेरा बचपन अभी भी जिंदा है, समझे ना आप? फॉलो मी। किसे कहा फॉलो मी? ए छाया, वो सफेद गुलाब ला कर देना, गीत को देकर आता हूँ, ला। हेलो माँ, अब क्या हुआ? माँ वो पंडित जी नहीं आए। वहाँ भी नहीं आए? नहीं, अब पूजा कौन करेगा माँ? अच्छा तुम लोग दक्षिणा कितनी दोगे? जितनी मांगे उतनी दे देंगे। ठीक है, तो फिर गीत मैं एक महंगा पंडित भेजती हूँ। तुम्हारे पापा को भेज दूँ, धोती कुर्ता पहन कर पूजा करवा देंगे। बेकार की बात मत करो, मैं क्यों जाऊँ पूजा करवाने? कोई पंडित हूँ जो उनके घर पूजा करवाने जाओ। माँ आप पापा को फोन दीजिए। हाँ तू खुद ही बात कर ले। हेलो पापा, आपको तो पूजा करनी आती है ना? क्या पूजा? नहीं नहीं, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। नहीं नहीं पापा, प्लीज पूजा करवा दीजिए ना प्लीज। तेरी ससुराल में पूजा करवाने आऊं मैं? हाँ तो क्या हो गया ना पापा, प्लीज आइए। गीत तू पागल हो गई है क्या? प्लीज पापा, मैं कह रही हूँ ना, आप आ जाइए, करवा दीजिए पूजा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है पापा, हो सकता है, आप बस आइए तो पहले प्लीज। गीत तू क्यों नहीं समझ रही मेरी बात, हमारे यहाँ भी तो पूजा होनी है। पापा प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पापा प्लीज। भैया मेरी बात सुनिए, पंडित जी को यहाँ आने को कह दीजिए और आप वहाँ चले जाइए। नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। पापा प्लीज, पापा मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ससुराल में शादी के बाद ये मेरी पहली सरस्वती पूजा है, प्लीज हमें अच्छी तरह से करना है पापा, प्लीज आ जाइए ना पापा, प्लीज आ जाइए ना मेरे प्यारे प्यारे पापा, प्लीज पापा आ जाइए ना, आई लव यू ना पापा, प्लीज प्लीज पापा मेरी बात मान लीजिए प्लीज। ठीक है मैं आता हूँ, वेट करो। ये लो पकड़ो इसे। जब देखो तब खींच से निपोरते हैं। क्या हंस क्यों रही हो?